दोस्तों, आलू बैंगन की सब्जी तो आप लोगों ने हजारों बार खाई होगी, लेकिन यकीन मानिए अगर इस नए तरीके से आपने एक बार भी बना करके खा लिया ना, तो भूल जाओगे हमेशा के लिए अपने पुराने तरीके। तो चलिए, इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक पतीले में लेंगे थोड़े से गर्म पानी, आधे गिलास से है गर्म पानी। तो चलिए, मैं यहाँ पे एक प्याज को बीच में से कट करके रखी थी इसे डाल दूंगी, और दो टमाटर डाल दूंगी, और लाल मिर्च जो सूखी हुई होती है उसे हम डाल देंगे 3 से 4। आपको जितना तीखा खाना है डाल सकते हैं। 2 तेज पत्ते डाल दूंगी, थोड़े से डाल दूंगी साबुत धनिया। अब इसे हमें 1 मिनट के लिए खौलाना है, ज्यादा देर के लिए नहीं। जैसे ही आपके एक खौल आ जाए, आप गैस को बंद कर दीजिए और ठंडे होने के लिए इसे छोड़ दीजिए। चलिए, तब तक वो ठंडा हो रहा है जब तक कुछ और कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें बैगन लेना है। तो यहाँ पे मैं 4 बैगन ली हूँ, 2 आलू ली हूँ। अब बैगन को देखिए, यहाँ पे जो होता है ना जड़ को हमें ना छील लेना है, यानी कि कट करके हटा देना है। आपको बैगन लेना है गोल वाला ही, तभी ज्यादा टेस्टी बनेगी सब्जी। तो चलिए, यहाँ पे मैं फटाफट से इसे छील लेती हूँ। छीलने से क्या होता है ना कि मतलब जो ये सूखी सूखी सी होती है पॉइंट, वो निकल जाता है। बीच में से हमें क्या करना है कि यहाँ से कट कर लेना है, कट लगा लेना है। साथ ही साथ आप देखते जाना कि इसमें कहीं कीड़े वीड़े तो नहीं है। तो मैं देख ले रही हूँ, बिल्कुल भी कीड़े नहीं है, बिल्कुल एकदम फ्रेश बैगन है। तो आपको इस तरीके से ही बैगन को कट कर लेना है बीच से। देखिए, मैं यहाँ पे कट कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बैगन तो कट गई है। अब यहाँ पे मैं आलू को छील लेती हूँ। तो एक मेरे पास छीलना है, मैं इसी से आलू को छील लेती हूँ फटाफट। तो दोस्तों, हम दोनों आलू को अच्छे से काट लेंगे छोटे टुकड़ों में, और फिर उसके बाद धो लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं दोनों आलू को काट करके और अच्छे से धो ली हूँ। अब यहाँ पे देख लेंगे कि ये अभी तक ठंडा हुआ है या गर्म ही है। तो बिल्कुल ठंडा हो गया है, और टमाटर भी देखिए सॉफ्ट हो गया है, मिर्ची भी बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो मसाला अब इसके जो है बिल्कुल स्मूथ बनेगा, तो इसलिए हम इसे उबाले थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसे क्या करते हैं कि एक मिक्सी जार लेते हैं और उसमें हम इस मसाले को पीस लेते हैं। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको लगे पानी, तो पानी को हटा दीजिएगा। यहाँ पे मेरा परफेक्ट पानी था, इसलिए मैं हटाई नहीं हूँ। इसी पानी को डाल करके अच्छे से पीस लूँगी। लेकिन कहीं आप ज़्यादा पानी में खौलाएं और फिर पता चले कि आप पूरा का पूरा पानी पीस दिए, तो बेकार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, मैं 5-6 लहसुन के कलियाँ ली हूँ। अब इस मिक्सी को अच्छे से बंद कर लूँगी और फिर पीस के ले आती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पीस के ले आई हूँ। मसाला देखिए कितना स्मूथ बनेगा, मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं कितना स्मूथ है। तो बिल्कुल आपको भी ऐसे ही पीस लेना है। अब हम चलेंगे कढ़ाई के तरफ। तो देखिए, कढ़ाई में यहाँ पे मैं गर्म पानी को रखी हूँ थोड़े से, और इसमें जितने बैगन थे ना सबको डाल दूंगी, आलू को भी डाल दूंगी। साथ के साथ इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच सफ़ेद नमक, और इसे भी हमें खौलाना है। तो चलिए ढक देते हैं, अब देखते हैं कि ये खौल गया है या नहीं। तो 5 मिनट हो गया है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से ये खौल चुका है फ्रेंड्स। तो जैसे ही एक बार खौल जाएगा ना, वैसे ही हमें देखना है चेक करके कि ये मतलब कि पका है या नहीं। तो हल्का हल्का सब पक गया, ज़्यादा नहीं पकाना है बिल्कुल भी। तो ये पक चुका है, तो अब हमें इसे क्या करना है, निकाल लेना है। आप चाहे तो छन्नी के मदद से भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे पूड़ी छानने वाले से निकाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा निकलता है, मतलब कि छन जाता है, सॉरी। तो बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे छान के रख ली हूँ। अब इसे ना थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ठंडा हो जाता है, तब तक यहाँ पे मेरे कढ़ाई में गर्म तेल हो रहा है। तो कढ़ाई में गर्म तेल हो गया था, उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कटी हुई आलू। आलू को हमें अच्छे से फ्राई करना है, तो इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा तेल लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं साथ के साथ बैगन भी डाल दूंगी। बैगन के पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, थोड़ी देर अगर हवा लगता है तो पानी सूख जाता है। तो इसलिए यहाँ पे देख लीजिए, कोई ज़्यादा तेल वेल नहीं पड़ रहा है। अगर आप पानी सही डालते तो बहुत ज़्यादा तेल पड़ता। तो हमें ना इसे चलाते ही रहना है कंटिन्यू तेज आँच पर, ताकि अच्छे से जो है बैगन भून जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आलू जो है फ्राई हो चुका है, तो हमें ना आलू को निकाल लेना है साइड साइड से। अभी बैगन अच्छे से फ्राई नहीं हुआ है, तो इसलिए हम बैगन को छोड़ देंगे और आलू को निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे बैगन भी बिल्कुल अच्छे से पक गया है, एकदम कलर इसका चेंज हो गया है। तो बैगन को भी हम बाहर निकाल लेंगे, और जो तेल बचा हुआ है ना, देखिए एक्स्ट्रा तेल नहीं लगता है, तेल वैसे ही रह जाता है। तो तेल में हम जीरा और थोड़े से सरसों के दाने डाल देंगे। जैसे ही तड़क जाता है, उसमें हम डाल देंगे कटी हुई प्याज, मैं ऑलरेडी काट के रखी थी, और यहाँ पर 2 तेज पत्ते डाल दी हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, इसे कंटिन्यू चलाते रहना जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पर गोल्डन हो चुका है फ्रेंड्स। तब इसमें मैं मसाला डाल दूंगी जो कि मैं पीस के रखी थी।
इस तरीके से अगर आप लोग बनाते हैं ना, तो वाकई में इतना टेस्टी आलू बैंगन की सब्जी बनेगी ना कि जो पुराने ज़माने में दादी नानी बनाते रहती थी वो सब कुछ आप खाना ही भूल जाएंगे, मतलब उस तरीके से बनाना ही भूल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें मैं आधे चम्मच हल्दी पाउडर डाल दे रही हूँ, उसके बाद एक चम्मच आमचूर पाउडर डाल दे रही हूँ। इसे हम कंटिन्यू ऐसे ही चलाते रहेंगे धीमी आँच पर। मसाले को अच्छे से हमें भूनना है, क्योंकि मसाला ही तो सब कुछ होता है सब्जी में। अगर मसाला सही से भून जाता है तो सब्जी अपने आप टेस्टी बनती है। यहाँ पर स्वाद अनुसार मैं डाली हूँ नमक, आप लोग से बात करते करते मैं भूल गई थी, तो नमक भी डाल दी हूँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पानी, मसाले अच्छे से भून गया था जब मैं डाली हूँ पानी। आप लोग कहीं ये देख लेंगे फटफट से चला दी है और मसाले मतलब कि भूंज नहीं है, मैं बहुत अच्छे से मसाले को भूंजी हूँ। तो आपको भी मसाले को अच्छे से भूनना जब तक कि तेल ना छोड़ दे। फिर उसके बाद मैं इसमें डाल दी हूँ आलू जो भी था, और एक खोल जैसे ही हो जाएगा उसमें डाल देंगे हम बैंगन जो हम फ्राई करके रखे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं बैंगन को भी डाल दी हूँ। अब हमें क्या करना है, इसे ढक देना है थोड़ी देर के लिए। चलिए ढक देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बिल्कुल आलू बैंगन की सब्जी जो है एकदम कितना टेस्टी टेस्टी बन करके रेडी हो गया है। अब इसे हम थोड़ा सा डेकोरेट कर दे रहे हैं हरी धनिया से, धनिया के खुशबू भी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छी आती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी सब्जी लाजवाब बन करके रेडी हो गई है। तो आ जाइए आप लोग भी यमी यमी खाने। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पर, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरीके से बनाती थी और मेरे तरीके से आपने बनाया या नहीं, और बनाया तो आपको ये सब्जी कैसी लगी, टेस्टी लगी या नहीं। चलिए हम लोग जल्दी से खा लेते हैं खाना, मुंह में पानी आ रहा है यानी कि जीभ पे पानी आ रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोग ज़रूर बनाना, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।